हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं सिद्धार्थ मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन चैनल में जिसका नाम है कॉमर्स एकेडमिक पॉइंट। स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास के अंदर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पहला टॉपिक जो कि था फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हम लोगों ने मतलब समझ रखे थे और उसके अंदर मेजरली हमें जो जो चीजें पढ़नी है वो हम लोगों ने सीख रखा था, जिसके अंदर हमने आपसे साथ डिस्कस किया था कि हम लोग पढ़ेंगे उसके अंदर बैलेंस शीट को, स्टेटमेंट ऑफ पीएल को और कैश फ्लो स्टेटमेंट को। स्टूडेंट, लास्ट क्लास के अंदर हमने आपको फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट स्टार्ट करा था। फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट जो कि शेड्यूल 3 के आधार पर बनता है, जिसका पार्ट 1 है, शेड्यूल 3 का पार्ट 1, उसके अंदर हम लोगों ने बैलेंस शीट के इक्विटी एंड लायबिलिटीज पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया था। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के पूरे मेजर हेड्स, सब हेड्स और सब हेड्स के अंदर आने वाले सारे आइटम्स को बहुत ही डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग कर ली थी और आपको होमवर्क भी दिया था कि आप सारे वो लर्निंग कर लेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप ये सेकंड लेक्चर पे आए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, तो आप निश्चित तौर पे पिछला क्लास रिवाइज करके आए होंगे। मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप रिविजन के बगैर नेक्स्ट क्लास के ऊपर जाते हो तो बच्चे उसका वो फायदा नहीं मिल पाता है, जो बच्चे रिवाइज करके आते हैं वीडियोज पे उनको ज्यादा फायदा मिलता है। इसलिए अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा तो प्लीज जाइए लास्ट क्लास की वीडियो देखिए और तब यहां पर आइए। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग अपने बैलेंस शीट के ही एसेट्स के पार्ट को बड़े ही डिटेल में उसके मेजर हेड्स, सब हेड्स और उनके अंदर आने वाले आइटम्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए अपनी क्लास के अंदर हम लोग चलते हैं और समझते हैं पूरे के पूरे एसेट्स, उसके मेजर हेड, उसके सब हेड्स और उसके अंदर आने वाले नोट्स टू अकाउंट्स को। तो फटाफट सारे बच्चे आ जाएं स्क्रीन के ऊपर, जहां आप देख सकते हैं हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मेट्स के अंदर ही अपने एसेट साइड। तो आपके सामने बच्चे स्क्रीन पर देख सकते हैं वही बैलेंस शीट का फॉर्मेट्स, जिसके अंदर कल हम लोगों ने अपने पूरे के पूरे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज को समझा था। तो यहां तक टोटल हम लोगों ने समझ लिया था और हमें जो आज डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है बच्चे एसेट्स को। एसेट्स को तो अब मैं इसे बड़ा कर दूं और सिर्फ अपना पूरा फोकस हम लोग लेकर के चल रहे हैं एसेट्स में। आप एसेट्स के अंदर फटाफट अपने फॉर्मेट्स में आएंगे और यहां से हम लोग देख सकते हैं अब एसेट्स के अंदर भी कुछ मेजर हेड्स हैं और कुछ सब हेड्स हैं। सबसे पहले मैं इनके मेजर हेड्स के दर्शन करा दूं आपको, उसके बाद मैं इनके सब हेड्स पे बात करूंगा। आप देख सकते हैं यहां पर एसेट्स के अंदर दो ही मेजर हेड्स आपको नजर आ रहे हैं बच्चे। एक हमारा है बच्चे नॉन करेंट एसेट्स, ये पहला मेजर हेड्स है। तो मैं इसके आगे लिख रहा हूं मेजर हेड्स, MH लिख दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए MH हम लोग मेजर हेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यस सर। और दूसरा इसके अंदर आकर के आप देख सकते हैं दैट इज करंट एसेट्स। तो दूसरा मेजर हेड इसके अंदर जो आ रहा है वो होगा करंट एसेट्स। तो मेजर हेड आपको याद करके रखना है, ये बात ध्यान में अपने भर लीजिए। तो मेजर हेड एसेट साइड में हम लोग को दो मिल गए, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स, बस इसके अलावे कोई भी मेजर हेड्स नहीं है। आप एसेट्स को कभी भी मेजर हेड मत बोलने लगना, दिस इज नॉट एनी हेड, ये तो भैया पर्टिकुलर है। इसके अंदर में दो ही मेजर हेड है, फर्स्ट वन इज नॉन करंट एसेट्स एंड सेकंड वन इज करंट एसेट्स। ओके सर, अब नॉन करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या अपने सब हेड्स हैं उनको हम लोग देख करके चलते हैं। तो मैं आपको यहां पर कलरिंग करा दूं, थोड़ा सा टिक कर देता हूं फिर आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला जो यहां पर सब हेड्स है बच्चे मेजर हेड के अंदर नॉन करंट एसेट्स वाले, उसके अंदर पहला जो आपके पास देखने के लिए वो है फिक्स एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स के अंदर पहला सब हेड्स जो आएगा वो आएगा बच्चे आपके फिक्स एसेट्स का। तो SH हम लिख रहे हैं, दिस इज योर SH। ओके सर, सेकंड नंबर पर जो B पे आपको दिख रहा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये भी सब हेड्स होगा आपके नॉन करंट एसेट्स का। उसके बाद डेफर्ड टैक्स एसेट्स है आपके पास एस सब हेड्स। फिर है लॉन्ग टर्म्स लोन्स एंड एडवांसेस, ये अपने आप में है एक सब हेड्स। और अदर नॉन करंट एसेट्स एक और सब हेड्स है। तो आप काउंटिंग कर सकते हैं, आपके पास पांच सब हेड्स हैं नॉन करंट एसेट्स के अंदर। नॉन करंट एसेट्स के अंदर पांच सब हेड्स हम लोग को देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है सर। तो मेजर हेड हो गया नॉन करंट एसेट्स और उसके अंदर पांच ए बी सी डी ई हम लोग के पास पांच सब हेड्स हैं। और करंट एसेट्स के अंदर अगर हम लोग आ जाएं तो करंट एसेट्स के अंदर बच्चे हम लोग को इसी प्रकार से लगभग ए बी सी डी ई एफ तक आपको सब हेड्स देखने के लिए मिलेंगे। मैं फटाफट टिक करा रहा हूं, करंट इन्वेस्टमेंट आपका एक सब हेड है, इन्वेंटरीज आपके पास दूसरा सब हेड है, ट्रेड रिसीवेबल्स आपके पास तीसरा सब हेड है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपके पास चौथा सब हेड है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांटेज आपके पास अगला सब हेड है, एंड अदर करंट एसेट्स आपके पास सब हेड्स है। तो सेकंड में यानी करंट एसेट्स वाले मेजर हेड्स के अंदर आपके पास छह आपको देखने के लिए मिलेंगे सब हेड्स।
ए बी सी डी ई एफ तक जाने वाला। अब इन सब हेड्स के अंदर कौन कौन से आइटम्स आएंगे, इनका मतलब क्या होता है, ये सारा डिस्कशन जो होगा बच्चे वो होगा नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर। तो अब हम लोग एसेट्स के बारी बारी से नोट्स टू अकाउंट्स पढ़ेंगे। लेकिन एक बार फिर मैं आपको बता दूं, आपके एग्जामिनेशन में इन सब हेड्स में से बहुत सारे सब हेड्स के ऊपर डिस्कशंस नहीं करना, क्योंकि हमारे सिलेबस ने उन्हें बाहर कर दिया जिनके ऊपर डिस्कशंस की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैं फटाफट पहले तो कटवा दूं और ब्लू कलर से मैं उसे मार्क कर दूं, जिसमें मैं बता दूं कि वो आपको एग्जाम के लिए पढ़ करके नहीं जाना है। तो सबसे पहले आप आएंगे बच्चे फिक्स एसेट्स के अंदर, और फिक्स एसेट्स के अंदर आप जो सब हेड है हमारा फिक्स एसेट्स, उसके अंदर आपको कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के ऊपर कोई भी जानकारी नहीं चाहिए। बस आप एक लर्निंग लिए रख लेना कि हाँ जी फिक्स एसेट्स के अंदर ये होता है। और इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट ये भी आपको नहीं करना है बच्चे, तो थर्ड और फोर्थ को आप क्रॉस लगा ले, ये आपको अपने एग्जामिनेशन के लिए पढ़ करके नहीं जाना है। यानी फिक्स एसेट्स के अंदर सिर्फ दो तरीके के हम लोग कैटेगराइजेशन सीखेंगे, दैट इज टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। ओके सर डन हो गया। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पढ़ना है, और उसके बाद आता है बच्चे डेफर्ड टैक्स एसेट्स, ये भी आप अपने एग्जामिनेशन के लिए नहीं पढ़ करके जाएंगे। तो मैं सी वाला कटवा रहा हूं सब हेड्स, जो कि आपको अपने एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर नहीं करना है। तो डेफर्ड टैक्स एसेट्स की भी आपको डिटेल जानकारी लेने की जरूरत नहीं अपने एग्जामिनेशन के लिए। ओके सर। उसके बाद नीचे आएंगे बच्चे हम लोग, और यहां पर करंट एसेट्स के अंदर, करंट एसेट्स के अंदर बच्चे हम लोग पूरी की पूरी जानकारी लेके चलेंगे, कुछ भी मैं कटाने वाला नहीं हूं। तो पूरी की पूरी जानकारी ए से लेके अब तक की सारी बातों को हम लोग सीख करके चलेंगे। तो हम लोग एसेट्स के अंदर सिर्फ तीन ब्लू निशान मारे हैं हम लोग स्काई ब्लू। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नहीं हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट नहीं डिटेलिंग करेंगे, डेफर्ड टैक्स एसेट्स नहीं करेंगे। फिर भी किसी बच्चे को अगर बहुत जानकारी चाहिए होगी तो हम लोग अलग से इसके ऊपर क्लास रख सकते हैं, अपनी जानकारी रख सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन चैट के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, तो चले अब हम लोग निकलते हैं नोट्स टू अकाउंट्स, जो इन फॉर्मेट्स की डिटेलिंग हमें करा रहा है नोट्स टू अकाउंट्स, समझाने के लिए कि अब फिक्स एसेट्स के अंदर, अपने नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, अपने लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर, इस तरीके से जितने भी सब हेड्स हैं उनके अंदर क्या क्या आइटम्स आएंगे। चलिए स्टूडेंट फटाफट अपने नोट्स में आप नीचे आ जाए, और नीचे चलेंगे जहां से हम लोग के एसेट्स के नोट्स टू अकाउंट स्टार्ट हुए हैं। यस, तो नीचे में एसेट्स के, अब नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने वाले नोट्स टू अकाउंट्स वो नॉन करंट एसेट्स के हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं, और उसका नॉन करंट एसेट जो मेजर हेड है उसका सबसे पहला सब हेड आता है, दैट इज फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स आपको पता है जो ब्लू कलर से हैं वो हमारे सब हेड्स हैं, और जो रेड कलर से हैं वो हम लोगों ने मेजर हेड्स बनाए, ये हम लोगों ने कल ही इसके डिस्क्रिप्शन समझ लिए थे। ओके सर, अब सबसे पहले फिक्स एसेट्स को समझते हैं। बचपन से आप फिक्स एसेट्स देखते आ रहे हो तो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला। यहां पर थोड़ी थोड़ी मीनिंग भी हम लोगों ने समझ करके रखी है। यहां पर मैंने कहा फिक्स एसेट्स का मतलब होता है एसेट्स हेल्ड फॉर कंटिन्यूड यूज इन द बिजनेस, यानी ऐसा कोई भी संपत्ति जो बिजनेस के अंदर कंटिन्यूड यूज के लिए रखा है आपने, यानी आपका पर्पस खरीद करके बेचना नहीं है, तो उसे हम मान करके चलते हैं फिक्स एसेट्स। तो आप जब लंबे समय के लिए कोई संपत्ति एसेट्स तैयार करते हो अपने बिजनेस में और यूज करना चाहते हो अपने बिजनेस के लिए, तो उसे फिक्स एसेट्स समझेंगे बच्चे। ओके सर, लेकिन अब ये फिक्स एसेट्स दो प्रकार के हो सकते हैं। कैसे कैसे सर? पहला कहलाता है बच्चे टेंजिबल एसेट्स, जिसे आप देख भी सकते हो और छू भी सकते हो, दैट इज टेंजिबल एसेट्स। यानी अगर सबहेड आपको बोलना पड़ेगा ना, तो आप कैसे सबहेड्स बोलोगे? आप बोलोगे फिक्स एसेट्स ब्रैकेट के अंदर टेंजिबल बोलना, अगर वो टेंजिबल होगा, यानी जिन एसेट्स को आप देख सकते हो छू सकते हो, तो ऐसे एसेट्स को, यानी फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स, ऐसे आपको बोलना पड़ेगा सबहेड्स। पूरा नाम अगर लेना पड़ेगा तो फिक्स एसेट्स ब्रैकेट के अंदर टेंजिबल बोलना सीखना पड़ेगा। अच्छा सर, जिन एसेट्स को छू सकते हैं देख सकते हैं, अरे बचपन से ऐसे कई सारे एसेट्स हैं, आप सारे एसेट्स को जिनको छू सकते हो देख सकते हो, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, एग्जाम्पल बहुत आसान है, मशीनरी, कंप्यूटर, फर्नीचर, ये सारी चीजें जिसे आप देख सकते हो वो सारे के सारे बच्चे एसेट्स होते हैं, फिक्स एसेट्स होते हैं, लंबे तौर पे बिजनेस के अंदर इस्तेमाल होते हैं। और अगली बात इनके साथ है कि इन्हें आप देख भी सकते हैं, इन्हें छू भी सकते हैं, तो दैट इज फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स। तो अगर मान लो बोलता है लैंड एंड बिल्डिंग बताओ जी कौन से मेजर हेड में आएगा, तो मेजर हेड है नॉन करेंट एसेट्स, सब हेड्स बोलता है, तो आपको सिर्फ फिक्स एसेट्स नहीं बोलना, आपको फिक्स एसेट्स ब्रैकेट के अंदर टेंजिबल भी लिखना पड़ेगा सब हेड्स के अंदर। ओके सर समझ आ गया। दूसरा जो है वो होता है बच्चे आपका इनटेंजिबल। तो अगला जो है फिक्स एसेट्स के अंदर ही कैटेगरीज वो है इनटेंजिबल एसेट्स। तो इसका अगर सब हेड नाम बनेगा तो कैसे बनेगा? इसका नाम बनता है फिक्स एसेट्स ब्रैकेट के अंदर इनटेंजिबल एसेट्स। सर ये क्या होता है? बस उसी का उल्टा जिसको आप समझ सकते हैं, विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड।
जिसे आप देख और छू नहीं सकते। सर ऐसे कौन से एसेट्स होते हैं सर, संपत्ति जिसे हम देख और छू नहीं सकते? कंपनी का रेपुटेशन, जिसे हम लोग गुडविल बोला करते हैं। तो गुडविल तो बड़ा फेमस है, हमारे दिमाग में हमेशा गुडविल आता है। सर ये एसेट्स होता है, यानी मान सम्मान इज्जत कंपनी की संपत्ति होती है, लेकिन आप इसे देख और छू नहीं सकते। तो पहला एग्जांपल इसके अंदर अगर हम इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर आए बच्चे, तो वो हमारा गुडविल। यस सर समझ आ गया। इसके अलावा मैं आपको बता दूं बच्चे, अगर कंपनी का कोई लोगो है, लोगो लोगो मतलब समझते हो, जैसे कैप का आप देखते हो कि लोगो है, आप इस क्लास के भी आप देख सकते हैं कि कॉर्नर में कैप का लोगो बना हुआ है, ये भी मेरी एक संपत्ति है। लेकिन ये डिजाइन, ये ट्रेडमार्क हम रजिस्ट्रेशन लेते हैं, यानी जब कोई ऐसा लोगो होता है जो हम चाहते हैं कोई और कंपनी ना यूज कर पाए, तो हम लोग उसका लेते हैं ट्रेडमार्क्स, रजिस्ट्रेशन कराते हैं। जब आप लोगों के रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो दैट इज नोन एज ट्रेडमार्क्स। तो ट्रेडमार्क्स भी आपका संपत्ति है, यानी अगर आप चाहें तो ये संपत्ति किसी को दे सकते हैं। तो जिसको देंगे वही आपका लोगो, यानी आपका ट्रेडमार्क्स कराया हुआ डिजाइन नाम इस तरीके की चीजों का इस्तेमाल कर सकता है। तो ये भी इसको आप जनरेट करते हो अपने दिमाग से, भाई लोगो डिजाइन ये सब अपने दिमाग से ही तो बनाए होगे ना, तो आप इसको रजिस्टर करा लेते हैं कि कोई और कॉपी ना कर पाए। ये भी कंपनी की संपत्ति होती है, इसलिए इसे भी हम लोग इंटेंजिबल एसेट्स में देते हैं। ऐसी कोई भी संपत्ति जो आपके बुद्धि से तैयार होती है, आपके दिमाग से तैयार होती है, जैसे कोई गाने बना लिया आपने और वो गाना चाहते हो कोई और का ना हो आपका हो, उस गाने का आप लेते हो कॉपीराइट लेते हो, वो भी रजिस्ट्रेशन है, वो भी रजिस्ट्रेशन है। आपने कोई इन्वेंशन कर दिया और इन्वेंशन का आप रजिस्ट्रेशन कराते हो तो वो कहलाता है पेटेंट्स, यानी समझ रहे हो, अगर इन्वेंशन का रजिस्ट्रेशन करा रहे हो तो वो पेटेंट्स कहलाएगा, अगर अपने आर्टिस्टिक नेचर चीजों का रजिस्ट्रेशन करा रहे हो तो वो कहलाता है कॉपीराइट, और अगर किसी नाम लोगो या डिजाइन का आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं कि आपका ही वो सिर्फ रहे, तो उसे कहते हैं ट्रेडमार्क। सब के सब रजिस्ट्रेशन ही हैं, बस अलग अलग चीजों के लिए। इनको अपनी बुद्धि से जनरेट करते हैं, इसलिए हम लोग यहां पर देख सकते हैं लिख रहे हैं ट्रेडमार्क्स कॉपीराइट्स पेटेंट्स, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपने दिमाग से तैयार किया हुआ, ये सब के सब बच्चे आते हैं आपके इनटेंजिबल प्रॉपर्टी के अंदर, इनटेंजिबल एसेट्स के अंदर। ओके सर समझ आ गया। इसके अलावे अगर आप और आगे बढ़ेंगे, रेसिपी फॉर्मूला मॉडल डिजाइंस, अगर किसी खाने को बनाने का आपके पास रेसिपी आ गया, वो रेसिपी सिर्फ आपके पास है, आप रजिस्टर करा लेते हो उसके इंग्रेडिएंट्स को और उस रेसिपी को, कहते हो भैया कोई भी अगर ये रेसिपी मिला करके ये खाना अगर बाजार के अंदर बेचा तो मेरे एसेट्स की चोरी मानी जाएगी, आपने इसे भी क्या किया अपने रेसिपी। यस आप सोच रहे हो सर कैसी बातें कर रहे हो, यस अपने आप रेसिपी की भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो और वह रेसिपी आपका सिर्फ होगा और वो रेसिपी के आप मालिक होंगे, वो भी आपने अपने दिमाग से कैलकुलेट करके बनाया हुआ है, कॉम्बिनेशन करके बनाया कई मसालों को, तो वो सारा आपका एसेट्स है, ये भी इंटेंजिबल में आता है। इसी प्रकार से कोई किसी चीज का आपने फॉर्मूला बना लिया है, कोई फॉर्मूला जिससे आप कोई काम कर सकते हो, वो भी आपका इंटेंजिबल एसेट्स होता है। कोई मॉडल तैयार कर लिया जिस मॉडल के आधार पे कोई सामान बन सकता है, वो भी आपका इंटेंजिबल एसेट्स है। कोई डिजाइन तैयार कर लिया आपने जिस डिजाइन की मदद से आप बहुत सारे काम कर सकते हो, वो भी आपका इंटेंजिबल एसेट्स है। ये सारे के सारे इंटेंजिबल एसेट्स में आ रहे हैं बच्चे। ओके सर, इसी प्रकार से आपका लाइसेंस है, फ्रेंचाइजी है। आप देखते हो बच्चे किसी काम को करने का अगर आपको लाइसेंस मिला हुआ है तो लाइसेंस सिर्फ आपका है, वो लाइसेंस किसी और का नहीं है। और वो लाइसेंस जब आप किसी को रेंट पर देते हो कि लो अगर अलाउड है कानून के द्वारा, तब ये नहीं अपने ड्राइविंग लाइसेंस को समझ लेना, अच्छा सर ड्राइविंग लाइसेंस हमारा एसेट्स है और हम अपने ड्राइविंग लाइसेंस किसी और को किराए दे सकते हैं, नहीं नहीं लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर, और अगर कानून अलाउ करता है वो लाइसेंस किसी और को आप दे सकते हैं। तो एक प्रकार से आप अपने एसेट्स को किसी को दे रहे हो, लेकिन लाइसेंस भी आपका इनटेंजिबल एसेट्स है, आप उसे देख और छू नहीं सकते। फिर ये मत कहना सर कागज पे तो हम देखते हैं, भैया आप कागज को देखते हो, उस एसेट्स के अंदर जो अधिकार है राइट्स हैं उन्हें आप देख और छू नहीं सकते हो, इसलिए हम लोग इन्हें भी लाइसेंस या फिर फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी क्या होती है, बिल्कुल इसी तरीके से होती है, जैसे मान लो आप देखते हो गए यहाँ पर KFC है आपके शहर के अंदर, या बड़े बड़े आप देखते हो गए बिग बाजार है, ये सब क्या है, क्या लगता है इनके ओरिजिनल ओनर आकर के आपके शहर में खोल रहे हैं? नहीं, ओनर आपके लोकल शहर के ही होते हैं, बस उनका नाम यानी उनकी फ्रेंचाइजी यहां मिली हुई है। तो फ्रेंचाइजी ओनर के पास है, वो मालिक है और वो अपने एसेट्स को किसी को दे रहा है, रॉयल्टी के लिए, किराए के लिए, रेंट के लिए, किसी पे दे रहा होगा अपने फ्रेंचाइजी को। तो फ्रेंचाइजी होता है जब हम अपने बिजनेस का अधिकार किसी और को देते हैं कि लो तुम भी करो मेरे नाम पर बिजनेस, तो एक तरीके का ये भी हमारा संपत्ति होता है बच्चे। तो फ्रेंचाइजी भी इनटेंजिबल एसेट्स होता है। तो ये सारे नाम आप देख रहे होंगे, ये सब कुछ आपके दिमाग को बड़े आसानी से भर सकते हैं, ये सब आप देख और छू नहीं सकते हो।
आप अगर कहोगे कि हम लाइसेंस को छूते हैं तो भैया आप कागज छूते हो, लाइसेंस को नहीं छूते हो। ओके सर, अगला है सॉफ्टवेयर। यस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आप आएंगे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिन सॉफ्टवेयर से आपके क्लासेस अभी जो आप क्लासेस देख रहे हो वो भी सॉफ्टवेयर के थ्रू ही देख रहे हो। तो बहुत सारे इस प्रकार के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको आप देख और छू नहीं सकते, लेकिन जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है उसके ऊपर उसका अधिकार होता है और वो सॉफ्टवेयर कंपनी उसकी मालिक होती है, वो भी उसके एसेट्स होते हैं और वो कहलाते हैं दैट इज इंटेंजिबल एसेट्स। मैं आपको बता दूं बच्चे, एग्जाम में एक बार आ गया कंप्यूटर, बच्चे ने लिख दिया इंटेंजिबल, नहीं कंप्यूटर टेंजिबल है, आप देख छू सकते हो, लेकिन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अगर क्वेश्चन में दे दिया तब आप उसे बोलोगे इंटेंजिबल, क्योंकि सॉफ्टवेयर को आप नहीं छू सकते हो। सिर्फ कंप्यूटर अगर बोल रहा है तो कंप्यूटर लैपटॉप्स आप छू सकते हैं, वो आपके एसेट्स देख और छू सकते हो, लेकिन उसके साथ अगर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है तो सॉफ्टवेयर को आप डालेंगे इंटेंजिबल एसेट्स। यानी अगर एग्जाम में आपको पूछ दिया बताओ जी गुडविल कहां जाएगा, किस सब हेड में, तो आप लिखोगे फिक्स एसेट्स, लेकिन ब्रैकेट के अंदर लिखोगे इंटेंजिबल, तो सब हेड हो गया फिक्स एसेट्स इंटेंजिबल, और मेजर हेड्स तो वही है नॉन करेंट एसेट्स। तो बच्चे इस तरीके से हम लोगों ने यहां पर अपने फिक्स एसेट्स को दोनों तरीके से समझ लिया, जिसके अंदर हम लोगों ने यहां पर आपके इंटेंजिबल पार्ट को भी समझा, इंटेंजिबल पार्ट को भी और टेंजिबल पार्ट को भी, बहुत क्लियर कर लिया एग्जांपल के साथ। आपको ये सारे एग्जांपल्स याद करने हैं क्योंकि एग्जाम में ये निश्चित तौर पे आते हैं अगर इन पे क्वेश्चनिंग होती है तो। चलिए पहला सब हेड्स हम लोगों ने क्लियर कर लिया, टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स, फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स के अंडर में, तो सब हेड्स का नाम फिक्स एसेट्स है, टेंजिबल इंटेंजिबल उसकी कैटेगराइजेशन से। अब हम लोग दूसरे सब हेड्स पे जा रहे हैं एंड दैट इज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करंट का मतलब ही होता है ऐसी चीजें जो आप लंबे अवधि के लिए कर रहे हैं, लंबे अवधि के लिए कर रहे हैं बच्चे, यानी लंबे समय के लिए कर रहे हैं। और अपने अकाउंट्स के अंदर हम लोगों ने लंबे समय की जो परिभाषा रखी है ना वो 12 महीना रखा है, यानी एक साल रखा है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहां पर कहा कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप एक साल से अधिक के लिए कर रहे हैं, आप इन्वेस्टर, कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, तो वो बच्चे आएगा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, यानी फिक्स एसेट्स से बाहर है इन्वेस्टमेंट। याद रखिएगा पहले हम लोग फिक्स एसेट्स के अंदर ही इन्वेस्टमेंट दिखा देते थे, बट कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से फिक्स एसेट्स अलग, इन्वेस्टमेंट अलग। और इन्वेस्टमेंट्स के अंदर भी दो प्रकार के इन्वेस्टमेंट हम लोग देखेंगे, एक कहलाएगा हमारा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, एक आगे चल करके मैं दिखाऊंगा करेंट इन्वेस्टमेंट। तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट और करेंट इन्वेस्टमेंट में कोई फर्क नहीं होता, बस टाइम का ही फर्क होता है। यानी अगर वो एसेट्स के अंदर अगर कंपनी इन्वेस्ट कर रही है एक साल के ऊपर के लिए तो भैया वो चला गया आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और एक साल के अंदर के लिए तो करंट इन्वेस्टमेंट, मैं नीचे पढ़ूंगा। तो फिलहाल आप समझ रहे हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब है इन्वेस्टमेंट मेड फॉर मोर देन वन ईयर, एक साल से अधिक के लिए इन्वेस्ट कर रही है कंपनी। तो सर कंपनी कैसे कैसे इन्वेस्ट कर सकती है, भैया कंपनी खरीद सकती है किसी दूसरे कंपनी के शेयर्स, किसी दूसरे कंपनी के शेयर्स इन्वेस्ट कर सकती है, किसी दूसरे कंपनी के डिवेंचर्स में इन्वेस्ट कर सकती है, किसी दूसरे कंपनी के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकती है, किसी दूसरे कंपनी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकती है, या किसी और प्रकार के सिक्योरिटीज में। अब मैं ये जो एग्जांपल ले रहा हूं बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, कहता है सर शेयर्स के चैप्टर और डिवेंचर के चैप्टर्स में तो हमने उन्हें लाइबिलिटीज बोला था। बच्चे इशू ऑफ शेयर्स एंड इन्वेस्टिंग इन शेयर्स में फर्क है, जब कंपनी इशू करती है शेयर्स को या डिवेंचर्स को तो कंपनी की वो लाइबिलिटीज हैं, लेकिन कंपनी जब दूसरे कंपनी के शेयर्स के और डिवेंचर्स को खरीदती है तो कंपनी खुद उस कंपनी की शेयर होल्डर और डिवेंचर होल्डर बन रही है। किसी कंपनी का शेयर्स खरीदना और अपने कंपनी का शेयर्स बेचना में फर्क है कि नहीं, तो जब कंपनी अपने कंपनी का शेयर्स बेचती है तो वो इशू करती है, वो लाइबिलिटी है। लेकिन यहां जो हम इन्वेस्टमेंट्स देख रहे हैं, यहां कंपनी दूसरे कंपनी के शेयर्स खरीद रही है, कंपनी दूसरे कंपनी के डिवेंचर्स खरीद रही है, तो कंपनी खुद पैसा लगा रही है दूसरे में, तो वो खुद शेयर होल्डर है उस कंपनी की, वो खुद डिवेंचर होल्डर है उस कंपनी की, इसलिए ये इन्वेस्टमेंट है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं इन्वेस्टमेंट का मतलब परचेज होता है, याद रखिएगा सेल ऑफ शेयर्स डिवेंचर नहीं होगा, दैट इज परचेज। आप भी अपने लिख लेंगे जो भी नोट्स आपके पास मौजूद हैं, दैट इज परचेज ऑफ शेयर्स डिवेंचर्स बॉन्ड म्यूचुअल फंड या कोई और प्रकार के सिक्योरिटीज। ओके सर क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग बच्चे अगले सब हेड्स की ओर, दैट इज लॉन्ग टर्म्स लोन्स एंड एडवांसेस। अब जैसे ही आया ना आदेश जादे तो कंफ्यूज हो गए और कहे सर लोन्स एंड एडवांसेस लायबिलिटीज सर पढ़ करके आए हम लोग, यस आप पढ़ करके आए हैं, लेकिन लोन्स एंड एडवांसेस टेकन, जब कंपनी किसी से कर्ज लेती है तो लायबिलिटी है, लेकिन अगर कंपनी किसी को कर्ज दे रही है तो कंपनी का एसेट्स है। बच्चे आप देख सकते हैं ब्रैकेट में मैंने बहुत क्लियर ढंग से लिखा है, गिवन बाई कंपनी, गिवन बाई कंपनी,
यानी कंपनी अगर किसी को लोन्स एंड एडवांसेस दे रही है तो वो कंपनी के लिए एसेट्स है जी। और अगर कंपनी 12 महीने से ऊपर के लिए दे रही है, अगर कंपनी 12 महीने से अधिक के लिए दे रही है, तो ये लॉन्ग टर्म्स लोन्स एंड एडवांसेस गिवन हो गया। लॉन्ग टर्म एग्जाम में आपको क्लियर बताएगा कि लॉन्ग टर्म एडवांसेस टेकन है या लोन्स एंड एडवांसेस गिवन है। समय पे नहीं बताता तो आप उसको लॉन्ग टर्म मानते हुए लिख देना यहां पर कि वी हैव एज्यूम्ड दैट ये लॉन्ग टर्म है, लेकिन दिया है कि लिया ये बताएगा। ओके सर, तो यहां पर देख सकते हैं गिवन बाय कंपनी फॉर मोर देन, तो कंपनी अगर किसी को लोन देती है तो वो इसका एसेट्स है और वो लोन आएगा इनके लॉन्ग टर्म्स लोन्स एंड एडवांसेस में अगर वो 12 महीने से अधिक का है, याद रखिएगा। और यही मैं आगे चलकर एक और पढ़ाऊंगी जिसके अंदर मैं बोलूंगा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जब यही लोन्स एंड एडवांसेस कंपनी 12 महीने से कम के लिए देगी, ठीक है, आगे चलकर पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल यहां पर क्या है सर, यहां पर है लॉन्ग टर्म्स लोन्स एंड एडवांसेस, ऐसे कोई भी लोन्स एंड एडवांसेस जो कंपनी 12 महीने से अधिक के लिए किसी और को दे रही है वो कंपनी का एसेट्स है। एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास दो तरीके के आ सकते हैं, दैट इज कैपिटल या लॉन्ग टर्म एडवांसेस। खुल क्वेश्चन में लिख करके दे दे कैपिटल एडवांसेस या लॉन्ग टर्म एडवांसेस, ऐसे एडवांटेज जो दूसरे एडवांसेस या लोन आप दे रहे हो जो व्यक्ति लेकर के कोई फिक्स एसेट्स खरीद ले, आपसे लेकर के कोई फिक्स एसेट्स खरीद रहा है, तो एक तरीके का आपने किसी को मदद किया है फिक्स एसेट्स खरीदने में, आपने किसी को लोन दिया तो आपके कैपिटल एडवांसेस या लॉन्ग टर्म एडवांसेस जैसा ही है, क्योंकि वो फिक्स एसेट्स खरीदा तो धीरे धीरे ही आपका पैसा चुकाएगा, यानी लंबे समय के लिए आपने उसे लोन दे दिया है, तो वो आ जाएगा बच्चे आपके कैपिटल या लॉन्ग टर्म एडवांसेस श्रेणी के अंदर, जो कि आप एग्जांपल है, और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में आप उसे रिप्रेजेंट करोगे, तो इसका सबहेड बनेगा आपका लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये आपको ध्यान में रख करके चलना है बच्चे। ओके सर, और मेजर हेड, मेजर हेड तो अभी भी चल रहा है आपका नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स अभी भी आपका चल रहा है। ओके सर, समझ आ गया। उसके बाद बच्चे सिक्योरिटी डिपॉजिट, यस, अगर आप कहीं पर अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट करते हैं, कोई काम करते हैं जिसके लिए आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट रखना पड़ता है, तो अगर आपने अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट एक साल से अधिक के लिए रखा है कि 4 साल 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो आपने कहीं पर सिक्योरिटी रख दिया है, तो वो अगर एक साल से ऊपर के लिए आपने कहीं पे सिक्योरिटी डिपॉजिट रखा है तो एक तरीके से आपने सामने वाले को कर्ज ही दिया है बच्चे, तो वो भी लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में ही आएगा, ये आपको याद करके चलना है। तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस सब हेड्स में दो ही एग्जांपल अपने ध्यान में रखने हैं, दैट इज कैपिटल और लॉन्ग टर्म एडवांसेस या सिक्योरिटी डिपॉजिट्स को। समझ आ गया सर, इसका एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए बताओ भाई कैपिटल एडवांसेस कहां जाएगा, तो सब हेड बोलेंगे आप लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, मेजर हेड बोलेंगे आप नॉन करेंट असेट्स, ठीक है सर। और इसके अलावा कोई और अगर आपको नॉन करंट एसेट्स दिख जाए तो आप उसे अदर नॉन करंट एसेट्स में उठा करके डाल दीजिएगा, इस पे क्वेश्चनिंग के बहुत कम चांसेस है इसलिए इसकी बहुत ज्यादा डिटेलिंग हम लोग नहीं करेंगे। अगर कोई ऐसा आपको लगे कि ऊपर में कहीं नहीं जा रहा है सर, ना तो हमारे वो फिक्स एसेट्स में जा रहा है, ना तो वो हमारे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स में जा रहा है, ना तो हमारे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में जा रहा है, ना तो हमारे अदर मतलब और कहीं नहीं जा रहा है डेफर्ड, क्योंकि डेफर्ड टैक्स एसेट्स हमने हटा दिया है, तो अगर कहीं नहीं जा रहा तो फिर हम लोग अदर नॉन करेंट एसेट्स में डाल देंगे। तो भैया ये रहा आपका नॉन करेंट एसेट्स वाला मेजर हेड, जिसके अंदर हम लोगों ने इसके सारे सब हेड्स को डिस्कस कर लिया, लाइन टू लाइन सारे सब हेड्स को डिस्कस कर लिया। ओके सर, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और अगले सब हेड मेजर हेड पे आ रहे हैं, दैट इज करंट असेट्स, दैट इज करंट असेट्स। तो ये भी एक मेजर हेड ही है, ये भी एक मेजर हेड है जिसके सब हेड्स को हम लोग को डिस्कस करना है, लेकिन पहले करंट असेट्स को समझते हैं। करंट असेट्स क्या होता है सर, ऐसा कोई भी एसेट जो कंपनी के पास है लेकिन साल भर के अंदर आप उसे बेच करके या उस करंट असेट्स से रिकवर कर लेंगे या रियलाइज कर लेंगे कैश 12 महीने के अंदर, यानी ऐसे एसेट्स जो 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर आपके पास स्टॉक है तो आप बेच दोगे और साल भर के अंदर पैसे ले लोगे, अगर आपके पास डेटर है तो उससे आप अपने पैसे रिकवर कर लोगे साल भर के अंदर, तो ये सारे चीजें करंट एसेट्स के ही एग्जांपल है, कहां आएंगे नीचे डिस्कस करेंगे, लेकिन आपके मन में क्लियर होना चाहिए ऐसा कोई एसेट्स जो साल भर के अंदर अंदर ही कैश में कन्वर्ट हो जाए, यानी कैश रियलाइज कर दे, चाहे बिक करके या रिकवर्ड हो करके, तो कंपनी के पास कैश आ जाएगा 12 महीने के अंदर अंदर, तो वो कहलाएगा करंट एसेट्स। ओके सर, अब करंट एसेट्स के कौन कौन से सब हेड्स हैं, ये तो मेजर हेड हो गया। पहला आता है करंट इन्वेस्टमेंट्स, करंट इन्वेस्टमेंट तो अभी अभी याद आता होगा मैंने आपको नॉन करंट एसेट्स के अंदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बढ़ाया था, सेम है सब कुछ, वही इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स हैं, वही इन्वेस्टमेंट्स इन डिवेंचर्स हैं, वही इन्वेस्टमेंट्स इन बॉन्ड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, अदर सिक्योरिटीज हैं, सब कुछ वही है, बस फर्क क्या है कि ये सारे इन्वेस्टमेंट यानी परचेज ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स, अदर सिक्योरिटी परचेज किया है आपने,
लेकिन कितने के लिए? अप टू 12 months, यानी 12 महीने के अंदर तक के लिए। उसके बाद आप बेच दोगे उन्हें, उनसे पैसे ले लोगे। तो अगर आपने ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है जो कि 12 महीने से कम के लिए, तो वो फॉल करेगा बच्चे आपके करंट इन्वेस्टमेंट, जो कि अपने आप में एक सब हेड है, लेकिन किसका, किस मेजर हेड का? करंट एसेट्स का। एग्जाम्पल में आप एग्जाम में क्वेश्चन आ गया इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स फॉर 9 months, क्या बोलोगे? सब हेड्स सर इसका है हमारे पास, दैट इज करंट इन्वेस्टमेंट्स, और मेजर हेड है सर करंट एसेट्स, बस खत्म। ओके सर, आगे चल रहे हैं हम लोग, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हम लोग सीखने वाले हैं, ये ध्यान से समझना, क्योंकि इसका स्टेटमेंट और पीएल में भी मैं यूज करूंगा। मैं थोड़ा स्लो होऊंगा इसके ऊपर, थोड़ा सा स्लो होकर के चलूंगा, आपसे बहुत चर्चा करनी है इसके ऊपर। अगला जो सब हेड से बच्चे वो है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज ऐसा नहीं आपने पहली बार सुना, आपने इकोनॉमिक्स में भी इन्वेंट्रीज समझा होगा, और इसका जो दूसरा नाम है ना पुकारू नाम घर के ऊपर, ये तो फैंसी सा नाम है इन्वेंट्रीज, लेकिन जो पुकारू नाम है ना वो कहलाता है स्टॉक। स्टॉक, स्टॉक से तो आप बहुत ज्यादा वाकिफ हो, पहले से सुनते आ रहे स्टॉक को। यस सर, अब मैं जब आपको इन्वेंट्रीज बोलता हूं, स्टॉक बोलता हूं, तो आपके वही क्लोजिंग स्टॉक ध्यान में आता है, लेकिन अपने दिमाग के अंदर ना अब आप 4 प्रकार के स्टॉक को भर लीजिए जो मैं आपको यहां पर समझाने वाला हूं। मैं आपको बता दूं बच्चे, एक ऑर्गेनाइजेशन में 4 प्रकार के क्या हो सकते हैं स्टॉक्स देखने के लिए मिल सकता है। सर कैसे कैसे? बाय द वे मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, यानी जो प्रोडक्शन का काम करती है, तो वो इनपुट खरीदती होगी अपने प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। हाँ सर, खरीदती होगी। उस इनपुट को कहा जाता है बच्चे रॉ मटेरियल। तो अगर कोई कंपनी रॉ मटेरियल खरीद रही है और पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाई, और लास्ट में उसके पास कुछ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बच गए, तो कंपनी की संपत्ति है, एसेट्स है, लेकिन उसको आप क्लोजिंग स्टॉक नहीं बोलते हैं सीधे, आप बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। यानी अब स्पेसिफिकली बोलना पड़ेगा कि ये रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री बचा हुआ है, ये रॉ मटेरियल का स्टॉक बचा हुआ है। यानी ऐसा कोई सामान जो आप अपने लिए प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल करने के लिए लाए थे, मगर वो पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाया, बच गया है उसी फॉर्म में, रॉ मटेरियल फॉर्म में, तो आप उसे बोलेंगे दैट इज इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। क्या बोलेंगे? इन्वेंट्रीज ऑफ रॉ मटेरियल। तो याद रखिएगा, रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है? गुड्स परचेस्ड फॉर यूजिंग इन प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी हम उसे इनपुट भी बोल सकते हैं। समझ आ गया सर, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। लेकिन सोचो, जो सामान कंपनी, जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, पूरा बना लेती है, फुल्ली कंप्लीट कर रखी है, तो उसका काम क्या था? बना करके उसे बेच दे। जैसे कोई सामान पूरा बन जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स बोलते हैं बच्चे। लेकिन क्या फिनिश्ड गुड्स सारा का सारा कंपनी एक ही साल में बेच देगी? हो सकता है बेच दे, लेकिन हो सकता है ना बेच पाए। तो जो कंप्लीटेड गुड्स हैं, कंपनी ने जो बनाए हैं, अपने यहां बनाए हैं, बन चुके हैं, उसे अगर कंपनी पूरा नहीं बेच पा रही है, तो वो कहलाता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, यानी इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स हम लोग इसको बोल करके चलते हैं बच्चे। ओके सर, तो यहां पर दूसरा जो इन्वेंट्री है वो है फिनिश्ड गुड्स का। मैं अंडरलाइन भी करते चल रहा हूं, एक रॉ मटेरियल का डिस्कस किया, एक पूरा सामान जो कंपनी के अंदर बना है, याद रखिएगा फिनिश्ड गुड्स ही नहीं है बल्कि कंपनी ने खुद बनाए हैं इसे, यानी प्रोड्यूस्ड एंड फुल्ली कंप्लीटेड इन कंपनी, यानी प्रोड्यूस्ड भी कंपनी ने किया है, वही रॉ मटेरियल जो ऊपर वाला आपने देखा ना उसी को यूज करके, और कंप्लीट भी पूरा तरीके से हो गया है। तो दैट इज इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वो स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, ठीक है सर। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है सर कि हमने रॉ मटेरियल लगा तो दिया लेकिन वो पूरा नहीं बना, यानी रॉ मटेरियल का इस्तेमाल हो गया, तब तो क्लोजिंग ऑफ रॉ मटेरियल में नहीं जाएगा, लेकिन पूरा भी नहीं बना है तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में भी नहीं जाएगा। सर ऐसे को क्या कहेंगे जो सेमी फिनिश्ड है? ऐसे को बोलते हैं बच्चे हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कोई सामान जो कंपनी बना रही है मगर पूरा नहीं बना पाई है, आधा अधूरा बनाई है, तो ऐसे को हम लोग ना तो रॉ मटेरियल के श्रेणी में रख सकते हैं और ना तो फिनिश गुड्स कंप्लीटेड गुड्स की श्रेणी में रख सकते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं सेमी फिनिश गुड्स। लेकिन उसका जो टेक्निकल नाम है अपने अकाउंटेंसी की पर्पस से, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चे दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कार्य प्रगति पर है। और ऐसे कोई क्लोजिंग स्टॉक है तो इसको हम लोग बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस हमेशा क्लोजिंग स्टॉक ही होगा, उसका अंतिम स्टॉक ही होगा। इसीलिए ब्रैकेट में समझने के लिए मैंने ये भी लिख दिया दैट इज सेमी फिनिश गुड्स, यानी कंपनी बना तो रही थी मगर पूरा नहीं बना पाई, तो ना तो फिनिश्ड है ना तो रॉ मटेरियल है, तो इसलिए उसे सेमी फिनिश गुड्स यानी वर्क इन प्रोग्रेस का इन्वेंट्री बोलेंगे। समझ आ गया सर, बिल्कुल क्लियर जा रहा है सर। सर चौथा क्या है? चौथा है बच्चे, हो सकता है कंपनी बनाए नहीं, कोई स्टॉक खरीद रही है और सीधे बेच दे रही है, यानी कंपनी मिडिल मैन का रोल प्ले कर रही है, कोई गुड्स खरीदी एंड देन सोल्ड, गुड्स खरीदी एंड देन सोल्ड, यानी एज अ रिटेलर या मिडिल मैन समझ लीजिए आप रोल प्ले कर रही है कंपनी,
या मान लीजिए होलसेलर ही है, खरीद रही है बेच रही, बना नहीं रही है कोई सा भी गुड्स, वैसे गुड्स का अगर खरीदी और पूरा नहीं बेच पाई, उसके पास पड़ा रह गया, तो वो सर किसका स्टॉक है? वो कहलाता है स्टॉक इन ट्रेड। यानी कंपनी का ना तो वो रॉ मटेरियल है, क्योंकि कंपनी ने खरीदा ही नहीं उसे प्रोडक्शन में यूज करने के लिए, ना तो कंपनी ने उसे खुद बनाया है, तो ना तो वो रॉ मटेरियल, ना तो वो फिनिश गुड्स है। कंपनी कोई चीज खरीद रही है और सीधे बेच रही है, उसको छू भी नहीं रही है, कह रही लाओ और बेचो। छूने का मतलब ऐसा नहीं टच नहीं कर रही है, मतलब उसको फर्दर प्रोडक्शन नहीं करना है कंपनी को। कोई भी चीज कंपनी खरीदेगी और बेच देगी, तो उसको हम लोग कहते हैं बच्चे स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड, अपने दिमाग में भर लें। तो ऐसे अगर स्टॉक अगर बचा रह गया कंपनी के पास, तो उसको हम लोग कहते हैं दैट इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड बोल रहे हैं हम लोग। इसका मतलब भी मैंने आपको क्लियर कर दिया, गुड्स परचेज फ्रॉम आउटसाइड फॉर रीसेल, बाहर से खरीदेगा और रीसेल करेगा। यानी कंपनी बनाई नहीं है, कंपनी का रॉ मटेरियल नहीं है, सीधे कंपनी खरीद रही है और बाकी बेच रही है। तो दैट इज, तो ये चार प्रकार के इन्वेंट्रीज आपको देखने के लिए मिलेंगे बच्चे, इसलिए आप याद रखेंगे इनको बहुत अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस करके चलेंगे, दैट इज इन्वेंट्रीज। तो ये सारी चीजें आपके ध्यान में चलनी चाहिए, इन्वेंट्रीज, स्टॉक, ये आपको देख करके चलना है। ओके सर, बिल्कुल क्लियर है, यहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। स्टूडेंट्स, इसके अंदर मैं दो और चीजें एड ऑन करना चाहूंगा, यहां पर आपके नोट्स में नहीं है, बट आपको जो नोट्स मिलेगा उसके अंदर वो एडेड मिलेगा। एक होता है बच्चे स्टोर्स एंड स्पेयर्स, यहां पर देखने के लिए नहीं है, मैं ऐड कर रहा हूं आपको, यहीं पर आपको देखने के लिए मिल सकता है स्टोर्स एंड स्पेयर्स। तो अगर आपको ये चीजें भी मिले, यानी वो किसी की इन्वेंटरीज में नहीं आएगा, कोई स्पेयर पार्ट्स वगैरह होता है जो कंपनी ला करके रखती है, मेन प्रोडक्ट का हिस्सा होता है जो कंप्लीट करने में मदद करती है, स्पेयर्स कहते हैं हम लोग इसको। तो अगर ये आपको देखने के लिए मिले तो इसे भी आप इन्वेंटरीज की ही श्रेणी में रखेंगे, स्पेयर पार्ट्स कहते हैं, एसेसरीज कहते हैं, मेन चीज का एसेसरीज, तो वो हम लोग लेकर के मेन प्रोडक्ट के एसेसरीज कहते हैं। तो इसे भी बच्चे हम लोग अपने इन्वेंटरीज की ही श्रेणी में रख करके चलते हैं। और इसी प्रकार से आपको एक देखने के लिए मिलेगा एफ नंबर पर, मैं बता रहा हूं, लूज टूल्स, लूज टूल्स, तो खुले में रहते हैं ये, मतलब जैसे कोई आप देख सकते हैं नट बोल्ट्स, किसी चीज को कसने के लिए नट बोल्ट्स की जरूरत है, तो हम लोग इसको लूज टूल्स की श्रेणी में डाल सकते हैं। इस प्रकार की भी चीजें अगर आपको देखने के लिए मिलती हैं, लूज खुले तौर पे पड़ी हुई हैं, तो भाई कहां रखोगे? ये भी तो किसी ना किसी मेन प्रोडक्ट को बनाने में काम आता होगा ना, किसी को कसने में ही मान लो स्क्रू की जरूरत है, तो वो सारी चीजें आती होंगी ना, इसे भी हम लोग इन्वेंटरी में रखते हैं, लेकिन ऊपर के इन्वेंटरीज में फॉल नहीं करते, अलग से इनको हम लोग स्टोर्स एंड स्पेयर, स्पेयर पार्ट समझ करके या लूज टूल समझ करके हम लोग इन्वेंटरीज में ही मान करके चलते हैं। तो ये अब आपका कंप्लीट हो गया, दैट इज इन्वेंटरीज। तो चार के बाद पांचवा और छठा हमने ऐड किया है, यहां मिसिंग था वो हमने ऐड कर लिया, आपको जो नोट्स मिलेंगे उसके अंदर ये प्रिंटेड मिलेंगे। ओके स्टूडेंट, तो हम लोगों ने इन्वेंटरीज के भी सबहेड्स को बहुत क्लियर ढंग से कर लिया, बहुत डिटेल एनालिसिस भी कर ली और समझ लिया। अब हम बढ़ रहे हैं अपने अगले सबहेड्स की ओर, जो कि बहुत ही प्यारा और छोटा सा है, दैट इज ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स। और आपने ट्रेड पेबल्स किया था ना, उसी प्रकार से ट्रेड रिसीवेबल्स, आपको पता है ट्रेड पेबल्स जो लाइबिलिटीज के अंदर कर रहे थे, क्रेडिटर्स और बिल पेबल को जोड़ करके था, उसी प्रकार से ट्रेड रिसीवेबल्स बच्चे आपके डेटर्स और बिल रिसीवेबल्स को जोड़ करके बनता है। यानी इसके एग्जांपल्स दो ही हैं, डेटर्स और बिल रिसीवेबल्स। तो जब भी आपको डेटर और बिल रिसीवेबल सब दिखे, तो आप किस सबहेड्स में दिखाओगे? आप दिखाएंगे बच्चे इसे ट्रेड रिसीवेबल्स में। और ट्रेड रिसीवेबल्स किस मेजर हेड में दिखेगा? वो दिखेगा बच्चे आपके करेंट असेट्स के श्रेणी में। तो बिल्कुल सिंपल है, डेटर और बिल रिसीवेबल्स, अब सबहेड्स है इनका ट्रेड रिसीवेबल्स। बिल्कुल क्लियर है सर, इजी लर्निंग है सर। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, और हम लोग के सामने है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अगला सबहेड है डी नंबर पर। अच्छा सर, कैश तो सुना था, लेकिन ये सर कैश इक्विवेलेंट्स क्या है? बच्चे इक्विवेलेंट्स का मतलब समझते हो क्या होता है? बराबरी। यानी ऐसी कोई चीज या तो कैश है या कैश के बराबर, यानी कैश के जैसी ही है। जैसा कैश का नेचर है वैसे ही हमारे पास उसका भी नेचर है, इसलिए हम लोगों ने इक्विवेलेंट्स रखा है, उसके बराबर रखा है। सर ऐसा कौन कौन सा चीज हो सकता है? पहले कैश एट बैंक तो सीधे तौर पे आपको दिख रहा है ना, ये तो कैश ही है, बैंक में पड़ा है तो क्या हो गया, बैंक बैलेंस भी तो आपका कैश ही है। ओके सर, और कैश इन हैंड, इनके ऊपर तो आप कैश का मोहर लगा दो, ये आपके कैश है, ये आपके कैश है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं बच्चे चेक इन हैंड्स, ये कैश के फॉर्म में नहीं है, लेकिन आपके पास कैश इन हैंड, सॉरी चेक इन हैंड पड़ा हुआ है,
जिस दिन आप जाओगे बैंक के अंदर इसे डालोगे, 2 से 3 दिन के अंदर वो क्लियर होकर के आपके बैंक बैलेंस में आ जाएगा। इसलिए हम लोग चेक इन हैंड जैसी चीजों को कहते हैं, ये भी कैश के इक्विवेलेंट्स ही हैं, इसलिए हम लोग इन चीजों को कैश इन हैंड या चेक इन हैंड सॉरी कैश एट बैंक जैसा ही मान करके चलते हैं। इसलिए हम लोग चेक इन हैंड्स को भी कैश इक्विवेलेंट्स बोल करके चल रहे हैं। तो इसी को हम लोग कह सकते हैं कैश इक्विवेलेंट्स, इक्विवेलेंट्स। ओके सर, समझ आ गया है। और इसी प्रकार से बच्चे होता है बैंक डिपॉजिट्स, तो अगर कोई बैंक डिपॉजिट्स है तो उसे भी हम लोग मान करके चलेंगे, दैट इज कैश इक्विवेलेंट्स। हमने कहीं डिपॉजिट्स किया हो तो भैया हमारा ही है वो, तो दैट विल बी बैंक डिपॉजिट्स भी हमारे कैश इक्विवेलेंट्स में ही आएगा। तो ये कैश एट बैंक, कैश इन हैंड आप सीधे तौर पे कैश बोल सकते हो, लेकिन चेक इन हैंड्स और बैंक डिपॉजिट्स हम लोग मान करके चल सकते हैं, ये हमारा कैश इक्विवेलेंट जैसा ही है। ओके सर, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बहुत सिंपल है, इन्हें आप अच्छे तरीके से लर्न कर लें, बहुत अंडरस्टैंडिंग कर लें, क्योंकि इनका आगे चल करके मैं कैश फ्लो के भी चैप्टर्स में इनका यूज करूंगा। तो कैश एट बैंक, कैश एट हैंड, चेक इन हैंड्स या फिर बैंक डिपॉजिट्स आपके होते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। क्लियर है सर, आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चे शॉर्ट टर्म्स लोन्स एंड एडवांसेस, वही बात मैंने कहा था, जिसके अंदर बहुत डिटेलिंग नहीं करनी, पर सिंपल सी बात याद रखिए, वैसे लोन्स एंड एडवांसेस जो कंपनी ने किसी को दिया है अप टू 12 मंथ्स, तो जो आपने लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस पढ़ा था ना, सेम वही एग्जांपल्स हैं। अगर वो 12 महीने के अंदर के लिए दिए हुए हैं किसी को, तो वैसे को आप कहेंगे शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, बता करके देगा लोन्स एंड एडवांसेस गिवन फॉर लेस देन 12 मंथ्स, आपको बोल करके देगा बच्चे, याद रखिएगा। ना बोल करके दे तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में ही मान लेना आप। ओके सर, आगे है अगला सब हेड्स जो कि बहुत ही सिंपल है, वो है अदर करेंट एसेट्स। आपको पता है जो कहीं नहीं वो यहां, जिसका कोई नहीं होता यार उसका खुदा होता है, तो समझ लीजिए ये खुदा है, जो अदर वाले टॉपिक बनते ना खुदा है, जिनका कोई नहीं है उनका ये है। और ऐसे एग्जांपल्स, लेकिन मैं आपको बताऊं बचपन से ये एग्जांपल्स हम खुद देखा करते थे सर, यहां आने के बाद बेचारों को अदर में श्रेणी मिल रही है, लेकिन बचपन से हम ये लोग तो देख रहे हैं। जैसे प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस ऐसा कोई खर्चा जो आपने एडवांस कर दिया, एडवांस एक्सपेंस, या फिर एक्रूड इनकम, इनकम कमा लिया है मगर मिला नहीं है, जिसको हम लोग कह रहे हैं इनकम रिसीवेबल्स, ये सारे, या कोई एडवांस टैक्स आपने भर दिया है, एडवांस एक्सपेंस जैसा ही एडवांस टैक्स है, तो ये सारे आते हैं आपके करंट एसेट्स, ये आपके एसेट्स होते हैं, लेकिन कहीं जगह नहीं है इनका, कहीं जगह नहीं है, तो हम लोग इन सब को कहां डाल रहे हैं, अदर करंट एसेट्स। अदर का जो लिस्ट होता है ना वो बड़ा लंबा होता है, ये सारे इंक्लूसिव है, ऐसा नहीं एक्सक्लूसिव है, इतना ही सिर्फ हो सकते हैं, और भी एग्जांपल्स के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए जो कहीं नहीं जाएगा, अपने दिमाग को पूछना क्या कहीं जा सकता है, करंट एसेट में क्या ये ट्रेड रिसीवेबल्स है, आपका दिमाग कहेगा नहीं जी, क्या ये करंट इन्वेस्टमेंट्स है, आपका दिमाग कहेगा नहीं जी, क्या ये शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस गिवन है, आपका दिमाग कहेगा नहीं जी। तो अगर आपका दिमाग हर जगह के लिए नहीं जी नहीं जी नहीं जी नहीं जी कह रहा है, तो समझ लीजिए अच्छा ये यहीं आएगा जी, अदर करंट एसेट्स में। तो एग्जांपल कुछ मैंने लिख दिए हैं, इन्हें आप प्रैक्टिस करोगे, 4 बार मैं जैसे आपको बोल रहा हूं आप भी बोलो, अपने छोटे भाई बहन को भी पढ़ाओ, तो देखने में ये बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा और याद हो जाएगा। यानी अदर करंट एसेट्स में ये 3 एग्जांपल, और अगर कोई और एग्जांपल नहीं फॉलो कर रहा तो यहां आप डाल देना। ठीक है सर, समझ आ गया। तो बच्चे हम लोगों ने देखते ही देखते पूरा का पूरा अपना कंप्लीट कर लिया यहां पर एसेट्स के अंदर आने वाले सारे सब हेड्स। मैं एक बार क्विकली बैलेंस शीट में जाकर के फिर से आपको मेजर हेड और सब हेड्स इसके दिखा दूं। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आपके सामने एसेट्स है, जिसके अंदर एसेट्स के अंदर हम लोग पहला जो मेजर हेड है वो है बच्चे हमारा पास, मैं कलर चेंज करता चलूंगा, वो है हमारे पास दैट इज नॉन करंट एसेट्स, और दूसरा जो है मेजर हेड वो है करंट एसेट्स, और जो जो हमें पढ़ना है वो जो सब हेड्स हैं वो सब हेड्स है बच्चे यहां पर, दैट इज पहला सब हेड्स नॉन करंट एसेट में फिक्स एसेट्स है, उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स है, और डेफर टैक्स एसेट्स हमें पढ़ना नहीं है, उसके बाद हमारे पास है बच्चे यहां पर लॉन्ग टर्म्स लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर नॉन करंट एसेट्स, जिसका कोई नहीं वो वहां पर। ओके सर, इसी प्रकार से करंट एसेट्स के अंदर हम लोगों ने करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म्स लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स सब हेड्स के तौर पे पढ़ा, और इनके आइटम्स को भी बहुत डिटेल में कर लिया। तो बच्चे आपसे मैं उम्मीद करता हूं आप
अगले क्लास के अंदर आओ, क्योंकि आपसे ना मैं रेंडमली क्वेश्चंस पूछूंगा, जो लाइव क्लास के बच्चे होते हो, जो रिकॉर्डिंग वाले होते हो तो प्रोटेक्टेड है, लेकिन एग्जाम से थोड़े ना प्रोटेक्टेड हो, एग्जाम में तो पूछेगा ही, लेकिन जो लाइव वाले बच्चे हैं और मेरे पास आते हैं वो बच्चे, आपसे मैं क्वेश्चनिंग करूंगा तो आप याद रखना, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करना। एक बार सरसरी निगाह से आप देखते चलो मैं ऐसे ऐसे बढ़ा रहा हूं, मुझे पता है आप भी अपने नोट्स को ऐसे ऐसे ही पलट रहे होंगे, लेकिन इस वीडियो के बाद आप बड़े ईमानदारी से बच्चे इसे याद करेंगे। सर क्या बैलेंस शीट खत्म हो गया, क्या सारी चीजें खत्म हो गई, नोट्स टू अकाउंट्स खत्म हो गया? नहीं, मैं कुछ और चीजें इंपॉर्टेंट आपको पढ़ाना चाहता हूं जो कि बैलेंस शीट के अंदर तो नहीं दिख रही हैं, लेकिन बैलेंस शीट के बाहर नोट्स टू अकाउंट्स में, यानी फुटनोट्स जिसको बोला जाता था, अब बिलो द बैलेंस शीट आइटम, मतलब बैलेंस शीट के अंदर नहीं आई लेकिन बैलेंस शीट के बाहर आपको रिप्रेजेंट करना होगा। आपको याद आता होगा बच्चे, प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर आप पढ़ा करते थे, आपको याद आता होगा इंपॉर्टेंट चीजों को आपको डिस्क्लोज करना चाहिए कंपनी का, भले ही वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं बन रहा है अंदर से, बाहर से है वो, लेकिन आपको नोट्स टू अकाउंट्स में यानी एक्सप्लेन करके उन्हें बताना पड़ता है। ऐसी ही दो चीजें हैं जो बैलेंस शीट के अंदर नहीं आती, मगर उन्हें भी हमें समझ करके चलना है, क्योंकि बैलेंस शीट के बाहर नोट्स टू अकाउंट्स में हम लिख करके बताते हैं कि ये भी हैं जी, और वो कौन कौन सी दो चीजें हैं आप अगले पेज पर आएंगे और देखेंगे, यहां पर वो होते हैं बच्चे कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स। तो आपका एकदम सस्पेंस में आकर के आपको लग रहा था अब खत्म हो गया, लेकिन करके एक नया आइटम आ गया आपके पास, दैट इज कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स। एकदम डॉल्बी डिजिटल में साउंड आया और कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स, और आपको लगा रही पार्ट अभी तो बाकी है पिक्चर का, अगला पार्ट आने वाला है। यस, अब समझेंगे, लेकिन वो छोड़ेंगे नहीं अगले पार्ट के लिए, आज ही समाप्त करेंगे इनको लिए। इनके बगल में देखिए मैंने क्या लिखा है, ये बैलेंस शीट के अंदर नहीं जाते हैं, लेकिन इनके एक्सप्लेनेशंस में मैंने लिखा है सोन बिलो द बैलेंस शीट इन नोट्स टू अकाउंट्स, यानी बैलेंस शीट के नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में आप इनके भी डिस्क्लोजर दोगे, क्योंकि फुल डिस्क्लोजर की आपने कसम खाई है, सारे इंपॉर्टेंट चीज को आप डिस्क्लोज करोगे। ओके सर, समझ आ गया, कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड कमिटमेंट। सर दो नाम आ रहा है इसके अंदर, तो एक कहला रहा है कंटिंजेंट लायबिलिटी और एक कहला रहा है सर कमिटमेंट्स। सर बताओगे क्या कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है, क्या कमिटमेंट्स होती है? बिल्कुल, उसी के लिए तो मैं बैठा हूं, इसी के लिए तो आपसे फीस लिया हूं। आओ बच्चे, अब हम लोग समझते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी को। सबसे पहले बच्चे, कंटिंजेंट लायबिलिटीज वो होती है जो ऑर्गेनाइजेशंस की लायबिलिटीज है नहीं। अरे कमाल की बात है सर, लायबिलिटीज है नहीं तो फिर क्यों दिखाना? बच्चे लायबिलिटीज है नहीं लेकिन लायबिलिटीज का हो सकती है। सर कैसे? ऐसी कौन सी चीज होती है, यानी किसी घटना के घटित होने पर, ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट्स, हम लोग देख सकते हैं कि वो लायबिलिटीज हमारा जन्म ले ले रही है, तो ऐसे लायबिलिटीज को हम लोग कहते हैं बच्चे कंटिंजेंट लायबिलिटी, यानी लायबिलिटी विच इज नॉट इन प्रेजेंट बट मे अराइज इन फ्यूचर, फ्यूचर में अराइज हो सकते हैं। आप देख सकते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में जो लिखा हुआ है कि लायबिलिटीज which are not in present but may arise in future upon happening of an event, yani kisi ghatna ke hone par ho sakta hai, yani this is uncertain, he hai to uncertain yani ho bhi sakta hai nahi bhi ho sakta, lekin hum log aisi liabilities ko maan karke chalte hain, they are contingent liability. sir aisa kuch hai, for example maan lo organizations ke khilaf koi court mein case chal raha hai, अगर केस हार गया ऑर्गेनाइजेशन तो फिर इसको कोई लायबिलिटी या पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, तो बोलो क्या किसी घटना के होने पर इसके ऊपर एक लायबिलिटी आ जाएगी कि नहीं? आ जाएगी सर, दैट इज नोन एज कंटिंजेंट लायबिलिटीज। आप देख सकते हैं मैंने एग्जांपल्स कुछ लिखे हैं, और मैंने पहला जो एग्जांपल पढ़ा वो यही है, पेंडिंग केसेस अगेंस्ट कंपनी विच मे क्रिएट लायबिलिटी, यानी कोई ऐसी केसेस जो कंपनी के खिलाफ चल रही है जिसका फैसला आने पर हो सकता है कंपनी के ऊपर कोई पेनल्टी या कंपनसेशन डाल दिया जाए, तो ऐसी कंटिंजेंट लायबिलिटीज को भी शो करना। ऐसी एक और लायबिलिटीज है जो बचपन से आप देखते हो, अगर आपने बचपन में बिल रिसीवेबल्स और बी पेएबल्स पढ़ा है तो मैं बिल रिसीवेबल्स पे आपका फोकस करूंगा। आपको पता है बच्चे, जो बिल रिसीवेबल्स होता था, जब आप कहीं से बिल्स पाते थे, अगर उस बिल को आप ले जाकर के बैंक से डिस्काउंट कर लेते थे तो बैंक आपको एडवांस में पैसे दे देता था, लेकिन आपका डर क्या होता था पता है? जो आपका डेटर है ना, अगर इस बिल का समय पर पेमेंट नहीं करेगा जाकर के बैंक को, तो बैंक आपको पकड़ेगी, बैंक कहेगी यार कैसा बिल पकड़ाए थे, मैच्योरिटी पे तो कोई पे ही नहीं किया, अब तुम पे करो। तो आपने जो भी बिल रिसीवेबल बैंक से डिस्काउंट करा लिया है, आपको डर है कि अगर इसका ओरिजिनल डेटर पेमेंट नहीं करता है तो जिम्मेदारी हमारी बनेगी, भैया हमें पेमेंट करना पड़ेगा बैंक को। तो ये डर, यानी फ्यूचर में होने वाले डर, घटना
के कारण अगर कोई लायबिलिटी आ जाए तो वो मेरा बनता है कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो कोई भी बिल अगर आपने डिस्काउंट करा करके रखा है, इसलिए मैंने यहां पर देखिए लिखा पर्टिकुलरली बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड, अगर आपने डिस्काउंट करा लिया है तो वो आपका कंटिंजेंट लायबिलिटी की तरीके से रिप्रेजेंट होता है नीचे में। ओके सर, इसी प्रकार से आप कोई कंपनी अगर किसी को गारंटी दे रही है, कह रही है अरे चलो ये नहीं देगा तो हम दे देंगे, गारंटी देते हो ना ऐसे कभी, तो कंपनियां भी कई बार किसी को गारंटी दे देती हैं। तो अगर जिसके लिए गारंटी दे रहे हो वो डिफॉल्ट कर गया तो कंपनी तुम्हारी जिम्मेदारी आ जाएगी कि नहीं, यानी किसी घटना पे होने ना होने पर कंपनी की लायबिलिटी क्रिएट हो सकती है। कंपनी ने कहा जाओ ये नहीं चुकाता पैसे तो मैं चुका दूंगी, अब वो भाग गया तो कंपनी को चुकाना पड़ेगा। तो कंपनी कोई भी अगर गारंटी दिया है ना तो वो उसकी कंटिंजेंट लायबिलिटी है, हो सकता है कंपनी को पेमेंट करना पड़ जाए। ओके सर, ये तो बड़े मजेदार है सर, सबसे मजेदार वाली बात है तो सबसे लास्ट में है सर, जो बैलेंस शीट में जगह ही नहीं पा रही है, ये सब तो सीखने के लिए बहुत मिल रहा है। ओके बच्चे, अब बात आती है यहां पर प्रपोज्ड डिविडेंड। ये ना प्रपोज्ड डिविडेंड, ये धमाकेदार मुद्दा है प्रपोज्ड डिविडेंड। ये ना क्या होता है, कई बार रूप बदल चुका है, पहले कहीं और दिखता था अब ये कहीं और दिखता है। पहले हम लोग इसको बैलेंस शीट के अंदर भी कंसीडर कर लेते थे कुछ कैलकुलेशन पर्पस से, अब वो बैलेंस शीट के बाहर चला गया बच्चे और कंटिंजेंट लायबिलिटी में फॉल करने लगा। इसकी बड़ी दुख भरी कहानी है, बड़ी दुख भरी कहानी है, बहुत चेंजेस हुआ है बच्चे इसके साथ। प्रपोज्ड डिविडेंड, आपने इससे पहले डिविडेंड और भी सुना है, डिविडेंड मैंने बोला था डिक्लेयर्ड, मैंने बोला था अनक्लेम्ड डिविडेंड, मैंने बोला था आपको अनपेड डिविडेंड, अब सर ये प्रपोज्ड डिविडेंड, सर एग्जाम में आ गया तो कंफ्यूज पक्का है सर, हम लोग उठा करके इसको कहीं दिखा देंगे। तो पूरे कंसेप्ट को समझाओ सर, ये डिविडेंड वाला चक्कर क्या है, तब हम लोग समझ पाएंगे ये प्रपोज्ड क्या है और फिर अनपेड क्या है और अनक्लेम्ड क्या है, डिक्लेयर्ड क्या है, वो सारी बातें क्लियर होंगी। ठीक है बच्चे, मैं शॉर्ट में ना आपको आकर के डिविडेंड की पूरी खिस्से सुनाता हूं, तब साथ आपको प्रपोज्ड डिविडेंड समझ आएगा। बच्चे होता यूं है कि कंपनी जब कमाती है प्रॉफिट्स, अर्न करती है कंपनी प्रॉफिट, तो कंपनी अर्न्ड प्रॉफिट्स। अब ये प्रॉफिट होने के बाद शेयर होल्डर्स मीटिंग्स करते हैं, एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग होती है, और उस मीटिंग में सबसे पहले जो स्टेप होता है ना वो होता है, स्टेप मैं बता रहा हूं, अर्न्ड प्रॉफिट। तो कंपनी कह रही है अब इसी अर्न्ड प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कंपनी मीटिंग कर रही है, और मीटिंग में सबसे पहला स्टेप होता है बच्चे, स्टेप होता है प्रपोज्ड डिविडेंड, यानी कितना प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को दे दिया जाए इसके लिए डिविडेंड को प्रपोज किया जाता है। प्रपोज मतलब समझ रहे हो ना, कि प्रस्ताव रखा जाता है कि यार इतने डिविडेंड्स दे देने चाहिए, तो दैट इज प्रपोज्ड डिविडेंड। तो पहला स्टेप नंबर वन होता है बच्चे डिविडेंड की पूरी कहानी में, कंपनी अर्न प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हो रहा है यहां पर, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, जिसको डिविडेंड के तौर पर देना है उसी का नाम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट जो बनता है वही डिविडेंड होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, ऐसा नहीं होता उठा करके बांट देते हैं, नहीं, कंपनी एक प्रक्रिया फॉलो करती है और सबसे पहले होता है प्रपोज्ड डिविडेंड, जो पहले प्रपोज्ड हो चुका रहता है, दैट इज प्रपोज्ड, प्रपोज किया हुआ है। ओके सर, प्रपोज्ड हो गया, तो स्टेप नंबर वन पर प्रपोज्ड हो गया है डिविडेंड, लेकिन अब इस डिविडेंड को एक्चुअली देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, एजीएम के अंदर इस बात पर डिक्लेरेशन होता है। तो स्टेप नंबर टू पर हम लोग आते हैं बच्चे, और वो होता है डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड यानी इसी डिविडेंड्स को डिक्लेयर किया जाता है स्टेप नंबर टू पर, कि ठीक है ये जो प्रपोज किया गया वो, या इससे कम, इससे अधिक तो नहीं दिया जा सकता, जो प्रपोज किया गया है उससे कम ये डिक्लेयर किया जा रहा है डिविडेंड, यानी पर शेयर्स पे ₹2 प्रपोज किया गया था, तो बोला गया ठीक है जी हम पर शेयर्स पे ₹2 देने के लिए तैयार हैं हर शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर्स की ही मीटिंग होती है जो तय करते हैं, मालिक खुद तय करते हैं कि देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या रख लेना चाहिए ताकि भविष्य में कंपनी के लिए यूज हो, तो वो रिटेन्ड अर्निंग्स बन जाता है। लेकिन तो पहले प्रपोज किया गया कितना डिविडेंड्स देना चाहिए, और बाद में सेकंड नंबर पे होता है कि हां जी डिक्लेयर कर देते हैं, देते हैं। तो ये दो स्टेप्स आप देख सकते हो बच्चे क्लियर ढंग से, ये दो स्टेप में काम हो रहा है। तो जब प्रपोज्ड हो रहा है डिविडेंड तो एक्चुअली किसी को डिविडेंड मिलता नहीं है, जब डिक्लेयर होता है तब वो डिविडेंड एक्चुअली देना होता है, ये आपको समझ करके चलना है। तो यही जब प्रपोज्ड हुआ है डिविडेंड मगर अभी डिक्लेयर्ड नहीं हुआ है डिविडेंड्स, तो इसी प्रपोज्ड डिविडेंड्स को हम लोग कह रहे हैं बच्चे कंपनी के लिए, भाई प्रपोज तो हो चुका है ना, देना पड़ सकता है ना, देना पड़ सकता है ना आगे चलकर, तो कंपनी कह रही है अरे
प्रपोज हुआ है तो देना पड़ सकता है। तो इसको कह रहे हैं हम लोग बच्चे, ये कहलाएगा कंटिंजेंट, कंटिंजेंट लायबिलिटी, लायबिलिटीज। तो कहीं दिखाना नहीं है, बस आपको फुटनोट्स में यानी बिलो द बैलेंस शीट नोट्स टू अकाउंट्स में कंटिंजेंट लायबिलिटीज में डिक्लेरेशंस आपको देना है कि हाँ जी कंटिंजेंट लायबिलिटी है प्रपोज डिविडेंड। और इसी डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड्स यानी जब डिविडेंड्स आपके डिक्लेयर हो जाते हैं तो इस पे जो पार्ट्स अनपेड हो जाते हैं, अनपेड यानी जिसको कंपनी ने अभी तक पेड नहीं हुआ उसको हम लोग कहते हैं बच्चे अनपेड डिविडेंड, क्योंकि डिक्लेयर्ड हो गया मगर पेड नहीं हुआ। या फिर इसी के अंदर जो अभी तक शेयर होल्डर्स ने क्लेम ही नहीं किया, मांगा ही नहीं है, कम डिक्लेयर्ड हो चुका है मगर मांग ही नहीं रहे, उसको हम लोग कहते हैं अनक्लेम्ड डिविडेंड, क्लेम्ड, अनक्लेम्ड डिविडेंड। तो ये डिक्लेयर्ड के दो पार्ट होते हैं डिविडेंड, ये अनपेड डिविडेंड। तो ये जो लायबिलिटी होती है ना डिक्लेरेशंस के बाद, आप डिक्लेरेशंस के बाद जो देख रहे हो ना डिक्लेयर्ड हो चुका है मगर अभी पे नहीं किया है कंपनी ने या शेयर होल्डर्स ने खुद नहीं मांगा, तो ये दोनों बच्चे करंट लायबिलिटीज में आप पढ़ करके आए हो, ये आप करंट लायबिलिटीज में पढ़ करके आए, ये आप करंट लायबिलिटीज में कंपनी के पढ़ के आए हो। लेकिन जो सिर्फ प्रपोज्ड है, प्रपोज्ड है अभी डिक्लेयर्ड नहीं हुआ है, इसको आप बोलेंगे दैट इज कंटिंजेंट लायबिलिटी। उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा कंटिंजेंट लायबिलिटी, प्रपोज्ड डिविडेंड। मैं इसका कैश फ्लो में बहुत रिलेवेंस देने वाला हूं। ओके सर, तो इसलिए इस एग्जांपल्स के अंदर जब आप आएंगे तो यहां पर बच्चे अब आपको प्रपोज्ड डिविडेंड का पर्पस समझ आया होगा। अब सर नहीं भूलेगा, अब तो समझ गया कि प्रपोज्ड क्या है, यानी ये डिक्लेयर्ड नहीं हुआ। डिक्लेयर्ड के दो पार्ट होते हैं जो कि अनपेड और अनक्लेम्ड हो सकते हैं। जो पेड पार्ट है वो तो कुछ भी नहीं, वो तो पेड हो चुका है, लेकिन वो होगा आपका क्या बोलते हैं दैट इज एप्रोप्रिएशंस। जो पेड हो गया उसकी चर्चा नहीं कर रहे, जो अनपेड और अनक्लेम्ड है डिक्लेयर्ड का वो हम लोग करंट लायबिलिटीज में दिखाते हैं। जो पेड हो गया उसकी अभी चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। यानी एक चीज और हो सकता है इसी में डिक्लेयर्ड में कि सर आप पेड कर दियो, यस मैं लिख दूं, अदरवाइज तुम कहोगे सर पेड नहीं होता है क्या, पेड भी होता है, ये लीजिए मैंने लिख दिया जो पेड हो गया, तो उसकी चर्चा नहीं करेंगे। जो डिविडेंड्स पेड हो जाते हैं, जो प्रॉफिट बढ़ जाती है, आपको पता है वो एप्रोप्रिएशन हो जाते हैं, एप्रोप्रिएशन। तो वो बैलेंस शीट में कैसे दिखता है वो बात की बात है। चलिए, तो ये दो चीज ही आपको समझ करके चलना था, एंड प्रपोज डिविडेंड्स क्यों कंटिंजेंट होती थी वो मैं आपको क्लैरिटी यहां पर दे दिया बच्चे। उम्मीद है आपको ये प्रपोज डिविडेंड्स बिल्कुल क्लियर हो गया होगा क्यों हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब वापस से आ जाए यहां पर, वापस से प्रपोज डिविडेंड पर फोकस। कंटिंजेंट लायबिलिटी का पूरा केस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ये आपको समझ आ गया। तो ये एग्जांपल्स अगर देखते हैं तो आप बैलेंस शीट में इन्हें कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स के अंडर दिखाना। दूसरा जो कमिटमेंट्स आ रहा है, कमिटमेंट्स भी बिल्कुल वही है, कमिटमेंट सुन रहे हो ना, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, ऐसा डायलॉग सुना है ना तुमने, सर यही सब तो सुन सुनकर हम लोग पढ़े हुए हैं, ये चीजें थोड़ी पढ़ने वाली चीजें थोड़ी हम लोग सुनते हैं, हम लोग डायलॉग से तो सीखे हैं सर। ठीक है बच्चे, तो वही कमिटमेंट्स है, कंपनी ने अगर कोई कमिटमेंट्स किया है, कंपनी ने कोई एग्रीमेंट किया कि हम ये पे करेंगे अगर कोई घटना हुआ तो, कमिट कर चुकी है कंपनी पहले ही से, तो बच्चे वो कमिटमेंट्स के अंदर आएगा। एग्रीमेंट टू परफॉर्म समथिंग अंडर सर्टेन कंडीशंस, यानी एग्री कर चुके हैं हमने, हम करेंगे जी अगर ऐसा होता है तो। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आपको बता दूं बच्चे, अभी हमने डिविडेंड्स की बात करी, तो डिविडेंड्स तभी कंपनी देती है ना जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है, कंपनी कमाएगी ही नहीं तो डिविडेंड कहां देगी। लेकिन कई बार प्रीफरेंस शेयर्स के केस में, ध्यान से सुनना, प्रीफरेंस शेयर्स के केस में कंपनी क्या कहती है, कंपनी कहती है कि यार इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ तो हम आपको डिविडेंड नहीं दे रहे हैं, लेकिन वादा कर रहे हैं, कमिटमेंट कर रहे हैं कि ये वाला भी डिविडेंड आगे चलकर जब प्रॉफिट कमाया जाएगा तो हम आपको दे देंगे। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो, उनके ऊपर उनका डिविडेंड्स एक्यूमुलेट होता रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं एरियर्स ऑफ डिविडेंड। यानी पिछले साल जब कंपनी फायदा नहीं कमाई थी लेकिन डिविडेंड्स हम नहीं दे पाए थे, उनके वादे हमने दे दिए कि जब प्रॉफिट्स कमाएंगे तो ये पिछले साल वाला भी जोड़ करके दे देंगे, जिसे हम लोग कह रहे हैं एरियर्स ऑफ डिविडेंड। किसके केस में? प्रेफरेंस शेयर्स के केस में। तो बच्चे वो कमिटमेंट है, यानी जब कंपनी प्रॉफिट कमाई तो कंपनी के ऊपर एक सर पर बोझ है कि हमें ये भी देना पड़ेगा, इसलिए ऐसे वादों को हम लोग दिखाते हैं अपने कमिटमेंट्स के अंदर। तो देख सकते हैं एरियर्स ऑफ डिविडेंड्स ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स कमाएंगे तो आपको देंगे, तो इसे कहते हैं एरियर्स ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड का बकाया, वादा किया, प्रेफरेंस शेयर्स के केस में देखने के लिए मिलता। आप बस इतना ही याद रखो, आपके लिए बहुत है। तो ये देख सकते हैं बच्चे, लास्ट में जाते जाते हम लोगों ने बिलो द बैलेंस शीट आइटम, इसको हम लोग बिलो द बैलेंस शीट आइटम कह सकते हैं, बिलो द बैलेंस शीट आइटम, बिलो द बैलेंस शीट, यही मैं ऊपर में लिख दूं, बिलो
द बैलेंस शीट आइटम, यानी सिर्फ नोट टू अकाउंट्स में बैलेंस शीट के नीचे आप दिखाते हो, और ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है, थ्योरी के लिए जरूरी है, एक मार्क्स के लिए जरूरी है, या फिर इनसे कोई क्वेश्चंस पूछ देता तो आप बता सकते हो। जैसे आपको क्वेश्चन में बोल दिया बताओ जी प्रपोज डिविडेंड कहां दिखाएंगे, तो आप सीधे बोल देना बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखाएंगे, ये मत बोलना, आप बोलना बिलो द बैलेंस शीट एज अ कंटिंजेंट लायबिलिटीज दिखाएंगे। तो इस तरीके से आपको इनका कोई मेजर हेड सब हेड नहीं बनेगा, आप सीधे क्या लिखोगे बिलो द बैलेंस शीट एज कंटिंजेंट लायबिलिटी रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस प्रकार से आपको दिखाना है। बच्चे आज की पूरी क्लास में हम लोगों ने ना पूरा का पूरा बैलेंस शीट डिस्कस कर लिया, अब हमारा पूरा का पूरा बैलेंस शीट कलर्ड हो चुका है, यानी हम लोगों ने पूरा का पूरा डिटेल लास्ट क्लास के अंदर और ये वाले क्लास के अंदर मिला करके पूरी की पूरी बैलेंस शीट की फॉर्मेट्स, उसके उसके मेजर हेड, उसके सब हेड्स और उसके अंदर यूज किया जाने वाला जितना भी आइटम्स है वो सब डिस्कस कर लिया। ये कंप्लीट फॉर्मेट आपके पास है, इसके अंदर पूरी की पूरी डिटेलिंग कर लिया हम लोग, बिलो द बैलेंस शीट आइटम को भी डिस्कस कर लिया। बच्चे अब इस क्लास के बाद मैं क्या उम्मीद कर रहा हूं, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जब आप अपनी अगली क्लास के अंदर आए तो आप बहुत अच्छे तरीके से दोनों क्लास को, पिछली क्लास को भी ये क्लास को भी अच्छे से रिवाइज करके आए, ताकि मैं आपसे क्वेश्चनिंग करूं तो सारे मेजर हेड्स सब हेड्स आप अच्छे से जवाब दे सको। उम्मीद है बच्चे आपको बहुत अच्छे से पूरी क्लास समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट आपके मन में रह जाता है तो हर बार की तरह एप्लीकेशन चैट, व्हाट्सएप चैट या सीधे लाइव क्लास डिस्कशंस के अंदर आप मेरे से अपने डाउट पूछ सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं अगर ज्यादा नीड महसूस होता है आपको। तो बच्चे नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इसके ऊपर आपकी टेस्टिंग करेंगे। रिकॉर्डिंग देखने वाले बच्चे याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट बातें सीखेंगे। बच्चे अगली क्लास के अंदर हम लोग सीखने वाले अपने फॉर्मेट्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएल को, उसकी भी डिटेल एनालिसिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टाटा बाय बाय।